इस वीडियो को बनाने के चक्कर में मेरा दिमाग बिल्कुल खराब हो ही चुका है एंड इस वीडियो को बनाने के लिए इतने ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि मेरा दिमाग बिल्कुल फट चुका था। तो देखो मैं फाइनली वीडियो लेके आ चुका हूँ एंड इस वीडियो में ना आज भले वीडियो को टिप्स एंड ट्रिक्स पूरा देखना या ना देखना, लेकिन मैं तुमसे कुछ सीरियस बातें करने वाला हूँ। अगर तुम टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं देखना चाहते हो ना तो सीधे आप स्किप करके ना सीधे आप 6:31 मिनट पे चले जाओ, वहाँ मैं आपको आपको सीरियस बातें करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं से अब देरी के। तो आज वीडियो शुरू करते हैं नंबर वन से। तो नंबर वन का हिडन मैसेज पड़ता है पीक प्लेस पे। अब सारे हिडन मैसेज तो पीक प्लेस पे ही पढ़ने वाले हैं। अब देखो ये फुल मैप है क्योंकि क्लास उसका है ना भाई बहुत बहुत कम आता, तो मुझे कुछ कुछ हिडन प्लेस ना जाकर फुल मैप पे बनाना पड़े एंड कुछ हिडन प्लेस ना क्लास स्क्वाड के अंदर ही है। तो देखो ये फर्स्ट हिडन प्लेस पड़ता ना यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे मैंने गुलाल लगाया है ना, आप भी सिंपल से गुलाल लगा लेना एंड थोड़ा जंप जब करना ना तो थोड़ा ध्यान से देख के करना क्योंकि ना बहुत ज्यादा पैर ना फिसल जाता है यहाँ से। अब देखो यहाँ पे एक बार और जंप करोगे ना तो बहुत स्टेयर से ऊपर आ जाके, अब जब स्टेयर से ऊपर आ जाके तो आप यहाँ पे बहुत इजी बैठ कर ना कैंपिंग कर सकते हो या अपने टीममेट को बुला के बहुत इजी ना नूब फायर करके ना आप बहुत इजी एनिमी को बुला के उसे बहुत इजीली किल कर सकते हो। सो अब हम चलते हैं सेकेंड नंबर के हिडन प्लेस की तरफ। सेकेंड नंबर हिडन प्लेस वर्क करता है, ये वर्क करता है पीक प्लेस पे ही। अब ये वर्क करता है देखो फुल मैप में नहीं क्लास स्क्वाड के अंदर। अब देखो इसे कैसे यूज करना है, देखो रस करने के लिए इसको यूज कर सकते हो आप बिल्कुल ना इसी पॉइंट पे आ सकते हो। देखो देखो दो एनमी आते हैं दो साइड से, एक इस साइड से आते हैं एक पीछे साइड से आते हैं, तो कभी कभी आके आप यहाँ पे भी चेक कर लिया कर लो एंड आपको एनमी बहुत इजीली सामने मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो वो बंदे पीछे से आ रहे हैं तो आप यहीं पर रुक कर ना पीछे वाले एनमी को बहुत इजीली क्लिक कर सकते हो। सो थ्री नगर हिडन प्लेस वर्क करता है ये प्लेस पे। और देखो ये वर्क करता है ना आप जब इस साइड स्पॉन हो जाते हो तो इसे कैसे यूज करना, आपको इस ट्रिक को यूज करेंगे आप बस तस्वीर होना चाहिए क्योंकि यार तस्वीर नहीं होगा ना तो आपको बहुत ज्यादा गंदा डैमेज पड़ सकता है सामने से जैसे मुझे पड़ा है। देखो मेरे पास अगर तस्वीर था ना तो मैं बहुत ही आप यहाँ पे आ जाता एंड मैं बहुत ही कर्म हो जाता, लेकिन मेरे पास तस्वीर नहीं था इसलिए मैं यहाँ पे आकर बैठ जाता हूँ एंड फटाफट मेडिकेट करना स्टार्ट करता हूँ। लेकिन इस साइड से कोई एनिमी नहीं आता है तो फटाफट ना यार रन करते यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। अब देखो यार देखो यहाँ पे आकर जैसे मैंने बैठा ना तो सिंपल देखो बिल्कुल सामने से बंदे आ रहे हैं उनको बहुत इजिली किल कर दिया एंड यहाँ पे मेरे बहुत इजिली विक्टर भी हो जाता है। तो देखो एक बंदा यहाँ पे दिखता है इसको फटाफट मैं डैमेज करता हूँ एंड बहुत इजिली से यार बहुत इजी डाउन भी करता हूँ। अब एक बंदा बिल्कुल सामने से हुकोंग बन के आ रहा था तो क्या करता हूँ फटाफट उसको डैमेज जैसे जाकर सामने देता हूँ ना तो वो बंदा हुकोंग से बाहर निकल दिया एंड बहुत इजी किल करके विक्टर कर लेता हूँ। फोर हेडअप वर्क करता है हमारा बहुत इजी पीकी प्लेस पे। अब देखो इस ट्रिक को कैसे यूज करना है, इस ट्रिक को यूज करने के लिए आपके पास लॉन्ग रेंज का वेपन होना ही होना चाहिए नहीं तो इस ट्रिक को यूज नहीं कर सकते हो। अब देखो क्या करना फटाफट जैसे यहाँ मैं आ रहा हूँ आप भी ऐसे आ सकते हो, चाहे तो ये ट्रिक इसी साइड से भी आप यूज कर सकते हो चाहे तो वो ये ट्रिक ना उसी साइड से भी यूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन देखो मुझे यहाँ पे अच्छा एंगल मिल रहा था इसलिए मैं यहाँ का लेट चुका हूँ, तो अभी यहाँ पे अगर लेटना चाहते हो तो लेट सकते हो नहीं तो आप वहीं भी लेट सकते थे। और देखो यहाँ पे ना बहुत मुझे एंगल मिल रहा था इजी से तो इन्हों को यहाँ पे आकर बहुत इजी में क्लिक करके यहाँ पे मैं इसको बुइया करा देता हूँ तो अभी करा सकते हो। तो फाइट हेड पर हमारा पड़ता है यहाँ पे। और देखो इस ट्रिक को कैसे यूज करना, देखो जैसे हम बिना क्लास उस कार्ड में यहाँ पे स्पून होते हैं ना वैसे आपको स्पून होना है, फटाफट यहाँ पे आना है जैसे कार पे मैं जंप करूँ आप भी जंप करना फटाफट यहाँ पे आकर लेट जाना। और देखो यहाँ पे लेटने बाद ना बिल्कुल सामने से एनिमी रन करके आते हैं या इसी साइड से ना बिल्कुल वो क्या करते हैं फ्लैंक करके ना हमारे ऊपर वो रस करते हैं, तो आप यहाँ पे बिल्कुल ऐसे छुपे रहोगे एंड बहुत इजी एनिमी किल कर सकते हो। जैसे देखो तो एक सामने एनिमी था, लेकिन ये फुल मैप है लेकिन फुल मैप भी एनिमी था ना मेरे सामने तो उसको मैंने बहुत इजी किल कर दिया, तो आप भी ऐसे किल कर सकते हो। और देखो यार फुल मैप में क्या होता है ना भी एक बंदा ना मेरे ऊपर ना वो खड़ा होकर एम ले रहा था उसको बहुत इजी मैं हेडशॉट लगा देता हूँ एंड यहाँ पे बहुत इजी मैं विक्ट्री कर लेता हूँ। तो हम देखते हैं नंबर 6 का हिडन मैसेज। नंबर 6 का हिडन मैसेज ना काफी कमाल का होने वाला है, इसे देखो कैसे यूज करना। आप देखो इस ट्रिक को यूज करेंगे आप यहाँ पे बिल्कुल खड़े सो दो, क्या होता है कभी वो बिल्कुल सामने से एनमी आते हैं उनको यहाँ पे किल कर दो। और देखो सामने एनमी नहीं आ रहा था ना तो यहाँ पे एनमी ना मेरे टीममेट पर रस कर रहा तो मैं उसको देख लेता हूँ। यहाँ पे एक साइड ना हम दो दो साइड देख सकते हैं तो देखे सो दो हाँ आप पीछे भी देख सकते हो, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे कवर पर लेकर खड़े होते। अगर आप यहाँ पे इसी पोजिशन पर खड़े होगे तो आप बच जाओगे, नहीं तो पीछे भी अगर बंदा आपके ऊपर आएगा तो रस करके बहुत इजी आपसे
मुश्किल कर सकता है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे कैसे कवर में खड़े रहोगे। एंड आपको ना दोनों साइड ना तीनों साइड में बहुत बराबर ध्यान देने पड़ेगा, आगे पीछे भी बराबर से ध्यान देना। एंड कवर में ना आप अच्छे से खड़े रहना, आप मैच को बहुत इजिली विन करा दोगे। सो अब हम बढ़ते नंबर 7 का हेडलाइन पसंद। सो नंबर 7 का हेडलाइन पसंद ना एकदम मस्त सा होने वाला है। इसे देखो कैसे यूज करना, ये बिल्कुल नया हेडलाइन पसंद है। अब देखो आप यहाँ पे आ जाना, एंड जैसे मैंने जंप किया ना अभी ऐसे जंप कर लेना, ये बहुत ज्यादा ही सिंपल है। तो इस टूक ना आप भी ऐसे यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे ना सिंपल से लेट सकते हो या चाहे तो बैठ सकते हो। हाँ अगर नीचे भी जाना चाहते हो नीचे तो चले ही जाओगे, लेकिन यहाँ पे देखो जैसे मैं यहाँ पे लेटूंगा ना आप भी सिंपल से ऐसे लेट जाना। एंड कोई बंदा आएगा ना तो सही बता रहा हूँ, बिल्कुल आपको फर्स्ट टाइम वो नोटिस बंदा करेगा ही नहीं कि यहाँ पे कोई ऐसे एनमी हो सकता है, वो एनमी नहीं नोटिस कर पाएगा। अब देखो यहाँ पे ना पीछे में देख रहा था, अब सिंपल से आगे भी देखता हूँ पीछे भी देखता हूँ, लेकिन कोई बंदा मुझे नहीं दिखता है। तो मैं यहाँ पे लेटे लेटे देख रहा था कोई बंदा आगे चल रहा है, तो यहाँ पर ना देखो जैसे मेरा कैमरा एंगल रोटेट करता हूँ पीछे साइड ना, तो मुझे एक एनमी आते हुए दिख जाता, लेकिन उस समय खुद नहीं पता चलता कि यहाँ पे कोई बंदा लेटा हुआ है। तो वो मुझे फिर से नोटिस करता है बाद में, तो जब तक वो मुझे नोटिस करता ना तब तक उस समय बहुत ऐसे किल कर देता हूँ। तो आप भी इस ट्रिक को इसी तरह से यूज कर सकते हो। फाइनली अब हम आ चुके हैं नंबर 9 के हिडन पे। इस तरह से नंबर 9 का हिडन पे मैं आपको फुल मैप पे बता रहा हूँ। अब देखो जैसे हम क्लास उस कार्ड में स्पॉन होते हैं इस साइड पे ना, तो आप फटाफट यहाँ पे आकर झाड़ के अंदर छुप जाना। अब देखो ये जो बूस है ना, जो हुकों का बूस बनते हैं, तो वैसे बिल्कुल सेम है वो, आप ना बिल्कुल इसके अंदर देखोगे नहीं। अब देखो कैसे आपको मैं प्रूव करूँ, यहाँ पे देखो एनमी भाग रहा है, लेकिन उसे पता नहीं चला कि मैं उसे कहाँ से डैमेज दे रहा हूँ, लेकिन वो बंदा ना बिल्कुल मेरे सामने ही भाग रहा है, लेकिन बहुत ही मैं किल कर रहा हूँ। अगर उस बंदे को अगर पता होता कि मैं यहाँ पे छुपा हूँ तो वो मेरे पर एक भी दो का डैमेज दे सकता, लेकिन उस बंदे को पता ही नहीं चला। एंड गाइस मैंने आपसे बोला था कि वीडियो को स्किप करके आप 6:31 पे आ जाओ। अब जो बंदे स्किप करके आ गए हो उनको भी मैं उनसे भी मैं बात करना चाहता हूँ, एंड जो वीडियो पूरा भी देखे उनसे भी मैं बात करना चाहता हूँ। देखो यार मैं ना हिडन प्लस की सिर्फ वीडियो अपलोड नहीं कर सकता हूँ, ये मैं ना फ्री फायर ना मैं 2018 से खेला हूँ, मैं एक नू बंदा नहीं हूँ कि सिर्फ हिडन प्लस ही बताते रहूँ। मुझे बहुत अच्छे से खेलना आता है फ्री फायर, मैं BR मैप एंड CS मैप बहुत ज़्यादा खेलता हूँ। तो देखो मैं बता रहा हूँ कि आज मैं एक कम्युनिटी पोस्ट करने वाला हूँ, एंड उस कम्युनिटी पोस्ट को ना आप जरूर से ध्यान से पर जाकर पढ़ लेना कि उस कम्युनिटी पोस्ट में आकर मैं क्या बता रहा हूँ। अब देखो ना इस चैनल पर ना आपको ना आज तो मैं क्लियर बता ही देना चाहता हूँ कि जो 100 डेज में वीडियो अपलोड चैलेंज लिया था उसको मैं सीरीज को बंद करने जा रहा हूँ। अब मैं 100 डेज वीडियो अपलोड नहीं करने वाला हूँ। अब देखो यार मैं वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, चाहे मैं किसी PTV पर अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन वो मैं क्वालिटी नहीं दे पा रहा हूँ जो मैं क्वालिटी देना चाहता हूँ, एंड वो कंटेंट नहीं बना पा रहा हूँ जो मैं कंटेंट बना कर अपलोड करना चाहता हूँ। सिर्फ मैं हिडन प्लस के लूप में फंस गया हूँ एंड 100 डेज के चक्कर में वीडियो अपलोड करते जा रहा हूँ। तो देखो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 100 डेज तक वीडियो अपलोड अब आज से ना बिल्कुल बंद हो जाने वाली है, एंड हिडन पोस्ट तक बिल्कुल ही बंद हो जाने वाला है। लेकिन देखो जो कम्युनिटी पोस्ट आज जाकर मैं करूंगा ना वो जोर से एक बार जोर से ध्यान देकर पढ़ लेना। एंड हाँ आगे जो इतनी भी आपको वीडियो मिलेंगे ना वो क्वालिटी वाली वीडियो मिलेंगी आपको, बहुत अच्छी मिलेंगी। एंड आपको एक एक जो आप कमेंट करो ना उसमें मैं वीडियो बनाऊंगा, एंड मैं कुछ सीरीज भी अपलोड लेकर आने वाला हूँ, तो उस सीरीज में वीडियो आने वाली है, तो वो सीरीज देखकर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड आपके आज से ना क्वालिटी वाली वीडियो आएंगे एंड आपके कमेंट के ऊपर वीडियो आने वाले हैं। एंड यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो थैंक्स फॉर वॉच।